लोग आस्था के महापर्व को लेकर गोमिया बोकारो के नदी घाट पर पुरजोर से तैयारी चल रही है, जहां व्रती और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जलाशयों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में गोमिया स्थित बोकारो नदी स्थित छठ घाट सबसे सुंदर घाटों में से एक है, जहाँ छठ पूजा को लेकर विशेष काम चल रहा है। बोकारो नदी छठ घाट के सौंदर्यीकरण के लिए इस बार 5,000 से अधिक राइज लाइट और 100 से अधिक LED मेटल लाइट लगाए गए हैं। वहीं चारों ओर दिशा में बड़े बड़े आकार के तोरण द्वार लगाए गए हैं, जिसमें भगवान के वेलकम मशाल गेट वाले डिजाइन शामिल है। समिति के लोग लगातार छठ वर्दियों को बेहतर सुविधा करवाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। समिति के सदस्य ने बताया कि सूर्य प्रतिमा के साथ कई देवी देवताओं की प्रतिमा आकर्षक का केंद्र रहेगा। वहीं भक्ति जागरण, आकर्षक लाइटिंग, चेंजिंग रूम, चाय पानी सहित दूध की भी व्यवस्था यथावत संभव करवाई जा रही है। चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन की रख रखाव की भी सुख सुविधा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं हम आपको बता दें कि राजकुमार यादव ने बताया कि इस बार खास स्वयं और गोमिया के कारीगरों की टीम द्वारा छठ घाट की लाइटिंग की जा रही है, जिसमें छठ घाट और प्रमुख पथ पर रंग बिरंगे लाइट से सजावट की जा रही है। छठ घाट के प्रवेश पथ पर बड़े आकार के लाइट का बोर्ड लगाया जा रहा है। सबसे आकर्षण का केंद्र सेल्फी पॉइंट होगा, जिसमें श्रद्धालु उगते सूरज और डूबते सूरज के साथ सेल्फी ले सकेंगे। घाट के चारों कोनों पर व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, ताकि घाट पर आए श्रद्धालु को कपड़े बदलने की सुविधा मिल सके। और मौके पर अध्यक्ष राजकुमार यादव, सचिव विजय करमाली, कोषाध्यक्ष बाबूलाल जायसवाल, उपाध्यक्ष त्रिपुरारी राम, उपाध्यक्ष मानिक राम, उपाध्यक्ष शैलेश रवानी, उपाध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, उप सचिव जानकी यादव, उप सचिव आकुश भंडारी, उप सचिव सुनील रविदास, कोषाध्यक्ष रंजीत करमाली, कार्यकारी सदस्य रंजीत साव, मुकेश साव, रामू नायक, अनिल पासवान, रौनक जायसवाल, विजय जायसवाल, विकास यादव, धर्मेंद्र भंडारी, मनोज रवानी, सोनू रवानी, जनक देव यादव, पंचायत समिति सदस्य मुखिया बलराम रज्जर। लगभग ये हम लोग का 10वां आयोजन है। पिछले 10 वर्षों से हम लोग इस आयोजन को करते आ रहे हैं, और इस वर्ष हम लोग बीते सभी वर्षों से और भव्य रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। लाइटिंग की पूरी चार चौवन व्यवस्था रहेगी, साउंड की व्यवस्था है, और मूर्ति यहाँ पर सूर्य भगवान का हम लोग स्थापित करेंगे। साथ ही साथ जागरण का भी कार्यक्रम रहेगा और फल का भी वितरण होगा।